ये भगवान की चमत्कार है और मैं साझा विधानसभा क्षेत्र की प्यार जनता की प्यार है जो मेरे को भरपूर मिला अमित शाह जी हम सुने कि आपके पास आए थे चुनाव प्रचार में आए थे क्या कहना चाहेंगे आप हाँ भारतीय जनता पार्टी तो है, और गर्मियों का मसीहाई पार्टी है जैसे ये गरीब ज़रूरत पड़ी ज़रूरत के टाइम में मोर गांव में इस मोर आंसू पोची जो बिरतपुर में जो घटना है मोर लड़का की हत्या कर दिए जाते और साजा विधानसभा क्षेत्र ऐसे क्षेत्र है जहाँ कांग्रेस के बड़े दिग्गज रविंद्र चौबे वहाँ से नेतृत्व कर रही और छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री रही ऐसे के खिलाफ आपमन लड़े के मन बनाए हो ये कैसे मैंने आपमन के साथी संगी सब सपोर्ट करी कैसे माने ये दम हुई इस आपमन लड़ा थोड़ा बताओ विश्वास

काफी बड़े दिग्गज जो माइक टू के नाम से छत्तीसगढ़ शासन में जाने जाते रहे हैं रविंद्र चौबे जी को हराया लगभग छह हजार मतों से आठ बार के वो विधायक रहे हैं रविंद्र चौबे जी ऐसे शख्स को एक मामूली छोटे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने उनको पटकन दी आज हम उन्हीं से भेंट करने का हमको सौभाग्य मिला है आपका न्यूज सेवेंटी में ईश्वर साहू जी बहुत बहुत स्वागत है जी धन्यवाद साहू जी आपमन एक कार्यकर्ता और गांव के रवैया हो और भारतीय जनता पार्टी काफी बड़े दल रही है भारत में राजनीतिक दल में सबसे बड़े पार्टी है वो कैसे आप मन करो ओकर कर नजर पड़ी टिकट दे पर प्रत्याशी बनाए पर थोड़ा बताओ आप मन हाँ भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी बहुत सनातनी है और गर्वियों का मसीहाई पार्टी है जैसे ये गरीब जरूरत पड़ी जरूरत के टाइम में मोर गांव में इस मोर आंसू पोछिस जो बिरनपुर में जो घटना है मोर लड़का की हत्या कर दिए जाते उस टाइम में हमार भारतीय जनता पार्टी के हमार गांव में इस मोर आंसू पोछिस मोर दुख में शामिल शामिल हुई जी बड़े बड़े मन दावेदारी करई साझा विधानसभा क्षेत्र से और साझा विधानसभा क्षेत्र ऐसे क्षेत्र है जहाँ कांग्रेस के बड़े दिग्गज रविंद्र चौबे वहाँ से नेतृत्व कर रही है। और छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री रही है। ऐसे के खिलाफ आपमन लड़े के मन बनाए हो ये कैसे मैने आपमन के साथी संगी सब सपोर्ट करी है। कैसे माने ये दम हुई आपमन ला थोड़ा तो बताओ विस्तार से हाँ ये तो है भारतीय जनता पार्टी जो है मोर दुख में आ गई मोर आंसू पोछिस मोर दुख में शामिल होश और वही भारतीय जनता पार्टी मोर साझा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी बनीस तो मैं तो एक परिवार की तरह हो गए हूँ जिस टाइम में मोर आंसू पहुंचे उस दिन से मोर लगाव लग गई इस भारतीय जनता पार्टी से और मोर इतने बड़े जिम्मेदारी दिस कुछ कुछ देर के लिए तो मैं मना कर दे रहे हूँ कि स्वीकार नहीं कर रहे हो फिर अपन आप में दिल में हाथ रख के सोचे कि नहीं इस पार्टी मोर भलाई के लिए बोला थे यानी कि मोर दुख में आंसू पहुँचे मोर दुख में शामिल हुए से अब ये लोग मोर प्रत्याशी बना थे तो मैं एक परिवार की तरह हो गया भारतीय जनता पार्टी की से तो मोला स्वीकार करना पड़ी स्वीकार करें तो मोह जैसे जैसे मैं अपन क्षेत्र के भ्रमण करें प्रचार करें तो जैसे जैसे, जैसे आगे बढ़त के मुझे जनता के प्यार बहुत मिलत गई और जनता ने पूरा मन भी बना ली इस मोट बहुत सहयोग करी इस मुझ शाहजा विधानसभा क्षेत्र की जनता है और आज मुझे शाहजहा विधानसभा क्षेत्र है यहाँ तक पहुँचा जीत के ताज पहना के रखी इस मोला दिल्ली के कौन नेता मन जो भार, भारतीय जनता पार्टी पार्टी के बड़के के मन के नाम बताओ जो आप मन पर नजर पड़ी और ओकर आशीर्वाद मन ला हम, हम तो पूरे पार्टी ने हम पार्टी को सहयोग सह से सह, जाता मोर और जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी में शामिल करी स परिवार की तरह सदस्य मानिस तो हमारे पूरा श्रेय तो भारतीय जनता पार्टी को ही जाते और हमारे लिए तो छोटे से लेकर बड़े तक सब आदर्श है हम इस ये सब इस उसका श्रेय पूरे भारतीय जनता पार्टी को ही जाता है चुनाव लड़े के पहले आपमन जो मजदूरी काम करत रहे हो और हम सुने कि आप आपमन नागपुर जाकर काम धाम करके परिवार के भरण पोषण करत रहे हो थोड़ा उकर बारे में छत्तीसगढ़ के जनता आपमन के हर बातला सुने बर चाहते थोड़ा बताओ हाँ हम गांव में बहुत गरीब थे हम चार भाई एक बहन बहुत रहे जैसे जैसे परिवार बढ़ते बढ़ते जैसे हमार बाप शहर जाना चालू करी जैसे शहर आना जाना चलते रही से हम पाँचवीं तक के पढ़ाई करें बाद में हम भी स्कूल छोड़ दें हम भी पिताजी के साथ शहर में गए वहाँ पिताजी रिक्शा चलाते से तो उनके साथ साथ हम भी रिक्शे चलाना चालू कर दिए धीरे धीरे जान पहचान हुआ मंडी में तो कुछ दिन के लिए ठेकेदारी भी किए सब्जी का लाना ले जाने का काम मेरे एक रिक्शे से चार चार पांच रिक्शे कर लिया था मैं एक गाड़ी भी ख़रीद लिया था प्लाट भी ले लिया था फिर धीरे धीरे वो सब कैसा क्या हुआ ऊपर वाले की खेल समझो या कुछ भी जैसी भी समझो एक जैसे एक एक करके लिए थे वैसे एक एक करके बिकना चालू हो गए बेच भी डाला मैंने जो नागपुर में कमाया नागपुर में ही खर्चे हो गए फिर लड़की शादी करने लायक हो गए तो लड़की का शादी करने करके गांव में आया गांव में आया, आया तो सबसे प्यार मिल मिल मिला हो गए पहले तो आना जाना चलता था कुछ दिन के रुक गए थे फिर लड़की के शादी करें तो कुछ कर्जे भी हो गए और सबसे संपर्क हो तो हम कैसे भी नागपुर जाने ही छोड़ दिए गांव में रह के अपना दो लड़का एक लड़की था लड़की की शादी कर दिए दो लड़के और हम दोनों जने रहते थे चार परिवार गांव में रहते रहते कैसे अपना ज़िंदगी गुजर बसर हो रहा था लड़की के शादी के लिए कुछ कर्जा ले रहे तो छोटे लड़का है कृष्णा कुमार उसको भी छोड़ स्कूल पढ़ाई छोड़ा दिए थे कर्जा हो गया करके और जो भुवनेश्वर लड़का बड़ा लड़का है वो तो शहर में ही पाँचवीं तक के पढ़ने के बाद छोड़ दे रही ऐसे चल रहा था अपना ज़िंदगी आप रविंद्र चौबे जी के खिलाफ़ आप मैदान में उतरे भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दी वो बहुत बड़े तो आपको बहुत सारे दबाव आए होंगे आपको बैठ जाने के लिए या आप चुनाव ना लड़े उस समय आप कैसे सामना किए कैसा लग रहा नहीं वो? ऐसा तो नहीं आया किसी ने डर नहीं दिखाया किसी ने भय नहीं दिखाया मैं अपनी चमत्कार समझ के स्वीकार किया और चमत्कार ये सहकार हुआ ये भगवान की चमत्कार है और मेरे भारत मेरे साझा विधानसभा क्षेत्र की प्यार जनता की प्यार है जो मेरे को भरपूर मिला और आगे का हम से जो मेरे शेष जिंदगी रह गए अब मेरे भारत साझा विधानसभा क्षेत्र के जनता को सम्पर्तित सं, है समृद्ध है आप मैंने एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में इस जगह में आए हैं और अमित शाह जी हम सुने कि आपके पास आए थे चुनाव प्रचार में आए थे क्या कहना चाहेंगे आप मैंने इतने छोटे से जगह के लिए इतने छोटे से कार्यकर्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन बड़े बड़े नेता आपके प्रचार प्रसार में सहयोग किए हाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में तो मेरे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी आए थे और यूपी से भी आए थे साक्षी महाराज वो भी आए थे हमारे छत्तीसगढ़ का सत्यनामी देवगुरु है जो बालदास जी वो भी आए थे ऐसे ही बहुत भारतीय जनता पार्टी के जैसे शीर्ष नेता लोग केंद्र नेता लोग भी आए थे जी सब लोगों का पूरा आपको आशीर्वाद मिला जी जी सबका आशीर्वाद मिला ईश्वर साहू जी आप विधायक बन चुके हैं हम क्षेत्र में जब आपके गए थे आपके घर आपसे मिलने तो क्षेत्र की जनता से हम पूछे तो क्षेत्र की जनता आपको कैबिनेट मंत्री के रूप में देखना चाहती है इस पर आप क्या जिस प्रकार हम तो ये जो विधानसभा की एम एल की टिकट के लिए भी हम नहीं सोचे थे वो जो मिला और अगर ने जनता ने चाहा भगवान ने चाहा अगर भगवान का चमत्कार मिला तो स्वीकार तो मेरे को करना ही पड़ेगा मैं स्वीकार करूं ऐसी चाह तो और इस जीत का मुख्य रूप से श्रेय आप किन लोगों को देंगे मुख्य श्रेय तो वही जाते है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो राज्य के शीर्ष नेता है वो लोग हमारे केंद्र तक के पहुंचाया हमारे केंद्र तो की मंत्रियों तक पहुँचाया हाँ श्रेय तो सभी को जाते हैं ना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को भी जाता है देश के गृह मंत्री को भी जाता है लेकिन इतना है कि हमारे छत्तीसगढ़ का जो शीर्ष नेता है राष्ट्र राज्य का नेता है वो लोग हमारे छत्तीसगढ़ के एक छोटा सा गांव के मजदूर किसान के बेटे का नाम वहाँ केंद्र तक पहुँचाया तो भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेता सभी हमारे लिए आदर्श है और हम भारतीय जनता पार्टी के सभी तो हमारे आधार से और भगवान देव तुल्य है सब हमारे लिए एक समाल है अब आप विधायक बन चुके हैं आप विधानसभा में गए और शपथ ग्रहण भी किए होंगे तो उस आ, समय जब आप मजदूरी करते रहे हैं और आप विधायक बन गए छत्तीसगढ़ में हम आपको देखें शपथ ग्रहण के दौरान जब आप मंच पे आए तो लोग एकदम ईश्वर साहू ईश्वर साहू के नारे लगा रहे थे आपको कैसा एहसास होता है अब हाँ हमारे लिए तो एक चमत्कारी है जो एक बहुत गरीब लाचार मजदूर का बेटा है। इस योग के समझा इतने बड़े बड़े में है और हम भगवान के ही चमत्कारी समझते जी ईश्वर साहू जी ये साझा विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक हैं उन्होंने कहा कि ये जो मेरा विधायक बनना एक ईश्वरी चमत्कार रहा है और केंद्रीय नेतृत्व और छत्तीसगढ़ प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता को इसका श्रेय देता हूं कहा साझा के मतदाताओं का विशेष रूप से आभार माना आप देखते रहे न्यूज 72 टू मैं हूँ हरिबंधु नायक नमस्कार